वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर, और आज हम आपके लेके आए हैं स्टडी हाई पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर हिमाचल करंट अफेयर्स एंड जी की डेली सीरीज़ हम लेके आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए हम पहली चीज़ जो लेके आए हैं वो है जितने भी डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जिनसे सवाल बन सकते हैं, वो करंट अफेयर्स आपके लिए इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश से लेके आएंगे। दूसरी चीज़ है कि इसमें नेशनल के भी करंट अफेयर्स होंगे, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जीके डेली। इसमें जितने भी जीके के डेली सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, वो हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो है जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो HPS हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे जितने भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो अच्छे मटेरियल की खोज में रहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसी वक्त वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उस वीडियो को उसी वक्त देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेट एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2017। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार स्टेट एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2017 15 जुलाई को घोषित करेगी। ठीक है, तो पहली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि स्टेट एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी जो इसमें जो सवाल बन सकता है वो है कि पहले प्राइज़ के लिए प्राइज़ मनी कितनी है, वो है ₹50,000, और 15 जुलाई को जिसको ये अवार्ड मिलेगा उसका नाम भी हम आपको अपनी वीडियोस में उस दिन बता देंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ₹50,000 मिलते हैं पहली प्राइज़ मनी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा नैनोवाल ब्रिज इज़ गोइंग टू बिल्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, अभी अभी खेड़ा नैनोवाल ब्रिज का बनना शुरुआत हो गया, ये ब्रिज बनना शुरू हो गया। ये कहाँ बन रहा है, ये है नालागढ़ में बन रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, नालागढ़ और खेड़ा नैनोवाल, तो ये इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी एक कॉपी में। ठीक है, उसके आगे है नेशनल से है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर TISC एट पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये कहाँ खुला है, भारत का पहला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। ठीक है, ये खुला है पंजाब में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स कवर्ड अंडर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसके तहत ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, असल में जितने भी स्कूल्स हैं ये उसको कवर करता है। ठीक है, तो अभी तक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में कितने स्कूल्स कवर हो चुके हैं, ये है 14,454। ठीक है, 14,454 स्कूल्स कवर हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, और इस स्कीम को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर मुख्यमंत्री कक्षय रोग निवारण योजना हिमाचल गियर्स अप फॉर इरिगेशन ऑफ TB। ठीक है, मुख्यमंत्री कक्षय रोग निवारण योजना जो है ये एक स्कीम चल रही है हिमाचल प्रदेश में, तो इसके तहत कब तक TB, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, TB खांसी वगैरह, वो कब तक हिमाचल प्रदेश उससे मुक्त होगा, उसकी डेडलाइन क्या है, उसकी डेडलाइन है 2023 तक मुक्त हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी हमने ग्रीन से मार्क किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस स्कीम का नाम भी आप याद रखिएगा, कभी भी पूछी जा सकती है, इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती है, तो आप साथ साथ इसके नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे अब आपके GK के सवाल। तो इंपॉर्टेंट GK के सवाल कौन से हैं आज हम आपके लेके आए हैं, वो है पहला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी। किस डिस्ट्रिक्ट को छोटा काशी कहा जाता है, देखिए मंडी, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, इसका सही जवाब है मंडी। देखिए, मंडी को क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक वजह है। देखिए, मंडी जो है, अगर आप हिमाचल के मैप को उठा के देखेंगे तो मंडी जहाँ भी पड़ता है उसके आसपास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उसकी बाउंड्री किसी भी अदर स्टेट के साथ टच नहीं होती, किसी और स्टेट के साथ टच नहीं होती। ठीक है, जैसे ऊना की टच होती है पंजाब के साथ, लेकिन मंडी की किसी भी अदर स्टेट के साथ टच नहीं होती। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे मंदिर होने की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिस वजह से इसका नाम पड़ा छोटा काशी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो है छोटा काशी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईजी सवाल है। देखिए, आचार्य देवव्रत जो हैं
वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और इम्पॉर्टेंट जो बात है इनके बारे में, ये संस्कृत में पीएचडी हैं, ठीक है, और इन्होंने अपनी शपथ भी संस्कृत में ही पढ़ी थी, तो इससे काफ़ी सुर्खियों में आए थे ये आचार्य देवव्रत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो इनमें से नहीं उत्पन्न होती, मतलब हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है? चिनाब, ब्यास, सतलुज या रावी? तो इसका सही जवाब है आपका सतलुज, ठीक है, तो ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल आता है हमारे पास, मणिकरण हॉट स्प्रिंग, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, मणिकरण में जो गर्म वाटर स्प्रिंग्स हैं, वाटर स्प्रिंग जो हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के? कुल्लू, मंडी, शिमला या हमीरपुर? इसका सही जवाब है कुल्लू, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो मणिकरण है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है पार्वती के किनारे स्थित, तो इम्पॉर्टेंट है, पार्वती रिवर के पास स्थित है, तो इसको दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वट आर कियांग, बकयांग एंड ब्यांगचू? ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? डांस हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, फेस्टिवल हैं, ड्रामा हैं? तो इसका सही जवाब है ये डांसेस हैं, नृत्य हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यांग पूछा जा सकता है कि किसी का इंडिविजुअल नाम देके भी पेपर में पूछा जा सकता है कि क्यांग इनमें से क्या है, डांस है, हैंडीक्राफ्ट है, फेस्टिवल है या ड्रामा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल, अ यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मसरूर रॉक का टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, सोलन, मंडी या चंबा? इसका सही जवाब है कांगड़ा। और कांगड़ा के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य है, राज्य नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन मतलब हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है कांगड़ा, ठीक है, तो कांगड़ा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है? रोहतांग पास, नथुला पास, ढोकला या कुंजरबा पास? इसका सही जवाब है पहला रोहतांग पास, और ये आप सबको पता ही है कहाँ पर है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है रोहतांग पास, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो चैल क्रिकेट स्टेडियम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये ऊना में, सोलन, शिमला या कांगड़ा? इसका सही जवाब है ये स्थित है सोलन में। और इंपॉर्टेंट बात क्या है चैल के बारे में, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सभी को पता ही होगा लाहौल स्पीति, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा तो है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए कि पॉपुलेशन का घनत्व कितना है, ठीक है, तो ये सबसे कम है, द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति भी। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को, इन दोनों नज़रियों को समझिएगा लाहौल स्पीति के बारे में। एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन वेदर ऐसा है, लोकेशन ऐसी है जोग्राफिकल कि वहाँ पर आबादी बहुत कम है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आप सवाल टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल को एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, इस तरह पॉपुलेशन सबसे कम डेंसिटी भी पूछ सकता है, तो आपने लाहौल स्पीति टिक करना है। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर पूछेगा तो एरिया वाइज लाहौल स्पीति बहुत बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू स्टेट इन विच ईयर? मतलब किस साल में यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश हुआ करती थी, उससे स्टेट का दर्जा कब मिला था? 1970, 1971, 1972 या 1974? इसका सही जवाब है 1971। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1971 को मिला था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी विजिटेड एंड स्टेड एट, जब गांधी जी आए थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आए थे, तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपने वो ईयर बताना है कि गांधी जी किस सन में हिमाचल प्रदेश विजिट किए थे, ठीक है। तो गांधी जी जब शिमला आए थे तो उस वो कहाँ रुके थे, पीटर हैफ, चौकी या शांति कुटीर या नन ऑफ दी? इसका सही जवाब है शांति कुटीर, बट आपने ये बताना है वो किस ईयर में आए थे, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज का आखिरी सवाल है। हु वॉज द ग्रेट जनरल ऑफ रणजीत सिंह किंग? जो रणजीत सिंह राजा थे उनके एक जनरल का नाम क्या था, हरि सिंह नालवा, गोरखा, भगत सिंह या नन ऑफ? इसका सही जवाब है हरि सिंह नालवा। ओके, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये, तो इनमें से आपको ज़रूर अपकमिंग एग्ज़ाम में कोई ना कोई कम से कम दो या तीन सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में,
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चेंजेस चाहिए, ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, तो हम आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करेंगे। सो आपको आज इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट कल आएगा। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।